ब्रेकिंग न्यूज है कन्नौज से, जहां यूपी भाजपा प्रदेश मंत्री सुब्रत पाठक का विवादित बयान। पेगासस मामले में दिया विवादित बयान, फोन टैपिंग और मामले को बताया सही, आतंकवादियों को हो रहे फोन टैपिंग, हम लोगों ने मोदी को इसलिए तो बैठाया है, फोन टैपिंग से क्यों डर रहे हो लोग, 2014 से पहले होते थे आतंकवादी हमले, अब नहीं होते। कन्नौज ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर। अभी सब आपने देखा जो संसद चल रही थी, और संसद चल रही थी तो किस प्रकार जो पेगासस क्या कि पेगासस माने के कुछ लोगों के फोन टैपिंग हो रहे हैं, मुझसे भी मीडिया ने वार किए, तो मैंने उनसे कहा हमने कहा फोन टैपिंग हो रही है, तुम्हारे पेट पे दर्द क्यों हो रहा है, मैंने मेरा फोन टैपिंग हो रहा है, उन्हें तो सारा टैप, हमें क्या करना, हमें कोई आतंकवादी है मेरा फोन टैप करके क्या कर लेगा भाई, तो कोई आप गलत काम करते नहीं है, दो नंबर के काम है, जिसने भ्रष्टाचार से कुल संपदा को पैदा किया है और अपनी संपदा को इधर उधर ठिकाने लगाने के लिए टेलीफोन पर वार्ता करेगा, विदेशी ताकतों से वार्ता करेगा, देश विरोधी तत्वों से वार्ता करेगा, और उसकी बात यदि लीक नहीं होगी तो फिर ये हिंदुस्तान में जो स्थिति 2014 के पहले होती थी कि आए दिन विस्फोट होता था कि कभी बनारस में, कभी बेंगलुरु में, कभी बंबई में, कभी दिल्ली में, तो विस्फोट होता था, लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है, आज विस्फोट होने से पहले ही विस्फोट करने वाला पकड़ लिया जाता है, फोन टैपिंग यदि हो रही है, यदि आतंकवादियों की फोन टैपिंग हो रही है तो होनी चाहिए, इसीलिए तो हमने मोदी को बैठाया, हमने मोदी को बैठाया क्यों, निश्चित रूप से सूचना का तंत्र, लेकिन आपने सबने देखा उसका किस प्रकार का दुरुपयोग किया और किस प्रकार की उसकी स्थिति कहां तक गिर जाते हैं।